Dear student, myself from Vidyasagar Coaching Classes, Vardha. So student, in our previous video lecture regarding the female gametophyte, हमने क्या study किया था? So what we have studied? हमने देखा था कि जो diploid mother cell होता है, which is a 2N in nature, that diploid mother cell is converted into 4 haploid cell. ठीक है, यहाँ पे कौन सा process हुआ था? Meiosis. So diploid mother cell is converted into the 4 haploid single cell. फिर क्या हुआ था कि 4 haploid जो cell बने थे उसमें से 3 जो है वो degenerate होता हो जाते हैं और एक जो है वो cell enlarge होता है because जो nutrition है वो उसे मिलता है. So out of 4 cell only 1 cell will enlarge, rest of 3 will get degenerate. तो ये जो एनलार्ज सेल है उसे हम कहेंगे मेगास्पोर मदर मेगास्पोर सेल. ठीक है, मेगास्पोर सेल विल टेक नरिशमेंट और नरिश होने के बाद में वो अपने साइज को बढ़ा देगा. साइज बढ़ाने के बाद में नेक्स्ट स्टेप जो होगा दैट इज माइटोसिस, जिसमें एक न्यूक्लियस जो है वो 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा. इसे हम कहेंगे फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन. नाउ आफ्टर वन सेल इज डिवाइडेड इंटू 2 सेल, यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, सेल नहीं, इसलिए यहाँ पे जो टेलोफेज है वो छोड़ के बाकी फेज होगा. तो यहाँ पे वन न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इंटू 2, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट माइटोसिस. फिर 2 न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जाएगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इंटू द 4, दैट इज कॉल्ड अ सेकेंड माइटोसिस. और ये 4 न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो गए एंड इट विल कन्वर्टेड इंटू the 8th cell, that is called a third mitosis. Okay, so in this way after third mitosis it is converted into the stage which is called a 7th cell and 8 nuclei stage. Ise kya kahenge? 7th cell and 8 nuclei cell. Theek hai, to abhi hum dekh rahe hain yahan pe 3 jo cell hai, 3 jo nuclei, they are gone towards the antipodal end, 3 nuclei gone towards the micropolar end and 2 nuclei fuses at between to form a polar cell. See this diagram. So this is a micropolar end, this is a chalaza end. Chalaza end pe jo 3 cell 3 nuclei use hum kahenge antipodal cell. Micropyle end pe jo 3 nuclei usme se 2 ban jata hai synergid cell एंड वन इज मेल ऊस्पियर. ओके, बीच में दो जो पोलर न्यूक्लिया है, ठीक है, 2 पोलर न्यूक्लिया गेट फ्यूज एंड इट फॉर्म्स द सेकेंडरी न्यूक्लियस. तो हमने प्रीवियस क्लास में यहाँ तक स्टडी किया था. नाउ हेंस वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फर्दर. अब आज की क्लास में हमें देखना है वॉट इज अ मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड हाउ द फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द एंजियोस्पर्म. अब इस पर किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन इन ब्रीफ. ओके, तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपका 5 मार्क्स के लिए. तो आपको डायग्राम देख के डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है दैट यू हैव टू एक्सप्लेन. सेकेंड है जो इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके पूछा जा सकता है दैट इज़ व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन, डिस्क्राइब इट विद द हेल्प ऑफ नीट एंड वेल डेबल डायग्राम एंड गिव इट्स इम्पोर्टेंस. ओके, या तो इस तरीके से भी पूछ सकते हैं व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन, डिस्क्राइब द प्रोसेस इन द ब्रीफ. सो इन दिस वे द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. So next is, today we are going to study about the how female gametophyte develop or embryo sac develop. तो हमने क्या देखा था कि वन ऑफ द सेल एनलार्ज, ये हम फीमेल गैमेटोफाइट का एक बार हम थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डबल फर्टिलाइजेशन. तो अभी तक जो पढ़ा हमने उसका एक प्रीव्यू ले लेते हैं. So what is it?
वन ऑफ दिस सेल एनलार्ज टू फॉर्म अ मेगास्पोर मदर सेल. किसका एक सेल एनलार्ज होगा? जो न्यूक्लियस है जहाँ पे पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं उसका एक सेल एनलार्ज हो जाएगा एंड फॉर्म मेगास्पोर मदर सेल. वो मियोटिक डिवीजन करेगा, फोर हैप्लॉइड सेल बनाएगा जिसे हम क्या कहेंगे, मेगास्पोर. ठीक है, लीनियर फैशन में अरेंज होगा जिसे हम क्या कहेंगे, टेट्रैड. तीन डीजनरेट हो जाएंगे, एक जो रहेगा लोअर मोस्ट जो रहेगा वो इंक्रीज इन साइज टू फॉर्म एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट. द न्यूक्लियस विद इन द सैक डिवाइड्स थ्राइस बाय द माइटोसिस टू फॉर्म अ एट न्यूक्लियर. फोर ऑफ देम विल बी एट द माइक्रोपोलर एंड एंड फोर ऑफ देम विल बी एट चाल्ज़ा एंड. फिर आउट ऑफ दिस फोर वन न्यूक्लियस फ्रॉम ईच एंड मूव्स टूवर्ड्स द सेंटर. सेंटर में ये यूनाइट होगा टू फॉर्म अ सेकेंडरी न्यूक्लियस. अब सेकेंडरी न्यूक्लियस सेंटर में फॉर्म होने के बाद में माइक्रोपाइल एंड पे तीन न्यूक्लिया बचे, जिस माइक्रोपाइल एंड पे जो तीन न्यूक्लिया बचे उसमें से दो रहेंगे सिनर्जी सेल और एक रहेगा दैट इज़ अ एग एपरेटस. चाल्ज़ा एंड पे जो तीन न्यूक्लिया बचे दैट इज कॉल्ड अ एंटीपोडल न्यूक्लिया. ऑफ द एग एपरेटस द मिडल वन इज कॉल्ड अ एग सेल और द फीमेल गैमेट वाइल द अदर टू फ्लैंक साइड आर कॉल्ड अ सिनर्जिड सेल और हेल्पर सेल. एज द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज विद इन द मेगास्पोर इट इज एंडोस्पोरिक. एज ओनली वन मेगास्पोर ऑफ द फोर टेक पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट सो हैंस इट इज कॉल्ड अ मोनोस्पोरिक. ठीक है, इन सम एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक मे बी बायस्पोरिक और ट्रायस्पोरिक. जनरली द एम्ब्रियो सैक इज मोनोस्पोरिक एंडोस्पोरिक सेवन सेल एंड एट न्यूक्लिएटेड. दिस इज कॉल्ड अ पॉलीगोनम. दिस इज इम्पॉर्टेंट, इट इज सेवन सेल एंड एट न्यूक्लिएटेड एंड इट इज कॉल्ड अ पॉलीगोनम. हैव टू सी अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन. अब डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? तो सबसे पहले क्या हो गया कि फीमेल एग एपरेटस रेडी है. अब इसके बाद का स्टेप है दैट इज़ द पॉलिनेशन. तो हमने पॉलिनेशन डिस्कस कर लिया कि कैसे पॉलिनेशन हुआ, आइदर इट इज़ अ सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, ये होने के बाद में क्या होगा कि वो पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पे आ गया. स्टिग्मा पे आने के बाद में स्टिग्मा ने रिकॉग्नाइज किया कि वो पोलन ग्रेन जो है दैट इज़ ऑफ सेम स्पीसीज, वहाँ पे उसे नरिशमेंट मिलेगा एंड आफ्टर गेटिंग द नरिशमेंट नाउ दिस पोलन ट्यूब विल गेट डेवलप. हमने देखा था कि आफ्टर पॉलिनेशन जो जनरेटिव सेल्स है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू टू सेल. ओके, तो वहाँ पे हमें दो मेल गैमेट्स दिखाई देंगे. सो इन केस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन द स्टेप वन इज द पोलन ट्यूब पासेस थ्रू द स्टाइल एंड एंटर टू द ओविल थ्रू द एंड विच इज़ कॉल्ड अ माइक्रोपाइल एंड. तो हमने क्या देखा था कि पोलन ट्यूब जो है वो डेवलप हो चुका है एंड दिस पोलन ट्यूब इज़ एंटरिंग इन टू द ओविल. कौन से एंड से एंटर होगा? दैट एंड इज कॉल्ड अ माइक्रोपाइल एंड. माइक्रोपाइल से एंड से वो एंटर होगा. तो फर्स्ट क्या होगा, इट पेनिट्रेट्स द न्यूक्लियस एंड देन इट एंटर्स द एम्ब्रियो सैक. जब वो एंटर होगा तो माइक्रोपाइल एंड पे हमने देखा कि दो सिनर्जिड सेल हैं और एक एग सेल है. ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस है ये सिनर्जिड सेल से एंटर होगा. सिनर्जिड सेल जो है वो मॉइस्चर प्रोवाइड करेंगे. कहाँ, किसे मॉइस्चर प्रोवाइड करेंगे? तो पोलन ट्यूब को मॉइस्चर प्रोवाइड करेंगे जिसके कारण पोलन ट्यूब जो है वो स्वेल हो जाएगी और वो पोलन ट्यूब क्या हो जाएगी, बस्ट. जैसे ही पोलन ट्यूब बस्ट हो जाएगी इट विल गेट ओपन और ओपन होने के बाद में इट विल रिलीज द मेल गैमेट इनटू द एम्ब्रियो सैक. ओके, जैसे ही मेल गैमेट रिलीज होगा दिस मेल गैमेट विल बी डायरेक्टेड थ्रू द सिनर्जिड सेल टू द एग सेल. तो सिनर्जिड सेल से होते हुए ये जो मेल गैमेट्स है दे विल ट्रांसफर टूवर्ड्स द एग सेल. मेल गैमेट विल फ्यूज टू द एग सेल
ठीक है, एंड इट विल फॉर्म अ जायगोट. और दूसरा जो मेल गैमेट है दैट विल गोज टूवर्ड्स अ पोलर सेल. ओके, तो अभी ये स्टेप में हमने क्या देखा, ये स्टेप में हमने देखा कि आफ्टर पॉलिनेशन पोलन्स आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर. फर्स्ट द स्टिग्मा विल रिकॉग्नाइज द नेचर ऑफ द पोलन दैट इट इज़ ऑफ सेम स्पीसीज और इट इज़ ऑफ डिफरेंट स्पीसीज. वो रिकॉग्नाइज करेगा, रिकॉग्नाइज करने के बाद में अगर वो सेम स्पीसीज का रहा तो स्टिग्मा उसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा. न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के कारण जो एक्साइन लेयर है वो ब्रेक होगा, इंटाइन लेयर जो है वो पोलन ट्यूब बनाएगा एंड दिस पोलन ट्यूब विल डाइवर्ट टू द स्टिग्मा. स्टिग्मा के अंदर में जब पोलन ट्यूब आएगा तो हमने क्या देखा था कि जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन है वो बाद में भी कंटिन्यू रहता है. तो जब पोलन ट्यूब बनेगी उस समय जो सेल है, ठीक है, जिसे हम जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, दैट इज कन्वर्टेड इनटू टू मेल गैमेट्स. तो मेल गैमेट में कन्वर्ट हो जाएंगे. नाउ दिस पोलन ट्यूब इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड. हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था दैट इज कॉल्ड ऑफ कीमोट्रोपिज्म. हमने देखा था कि पोलन ट्यूब का जो डेवलपमेंट होता है टुवर्ड्स द एग सेल दैट इज ड्यू टू द केमिकल मेडिएटर एंड दिस केमिकल इज रिलीज बाय द सिनर्जिड सेल. तो अब आपको ध्यान में आ गया होगा कि सिनर्जिड सेल का फंक्शन क्या है. तो पहला तो ये हो गया. सेकेंड फंक्शन ऑफ सिनर्जिड सेल इज दैट जब ये पोलन ट्यूब एंटर करेगा माइक्रोपाइल एंड से तो उस समय ये सिनर्जिड सेल जो है दे विल प्रोवाइड अ मॉइस्चर टू द पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब विल गेट एनलार्ज देन इट विल गेट बस्ट. इसके बस्ट होने से मेल गैमेट रिलीज हो गए. दिस मेल गैमेट विल रिलीज टू फ्रॉम इन टू द सिनर्जिड सेल. सिनर्जिड सेल इस मेल गैमेट को डायरेक्ट करेगा टूवर्ड्स द एग सेल और एग सेल के साथ में एक मेल गैमेट का फ्यूजन होगा एंड हियर इट इज़ गोइंग टू फॉर्म अ जायगोट. ओके, दूसरा मेल गैमेट जो है वो रिलीज होगा. वो रिलीज होके कहाँ जाएगा, सेकेंड मेल गैमेट विल गो टूवर्ड्स द पोलर सेल जहाँ पे दो न्यूक्लिया ऑलरेडी है. वहाँ पे जाने के बाद में उस पोलर सेल से फ्यूज होगा एंड इट इज़ गोइंग टू फॉर्म PEN, ठीक है, प्री एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस. ओके, तो इन दिस वे फर्स्ट मेल गैमेट इज गोइंग टू फ्यूज विद एक सेल टू फॉर्म अ जायगोट एंड सेकेंड मेल गैमेट इज गोइंग टू फ्यूज विद द पोलर सेल टू फॉर्म अ प्री एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस. वन मेल गैमेट यूनाइट विद द एग सेल टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जायगोट. यहाँ पे दिख रहा है पहला मेल गैमेट जो है वो किससे फ्यूज हुआ, एग सेल से. सो इस व्हाट इट हैज फॉर्म, इट हैज फॉर्म जायगोट एंड दिस इज कॉल्ड अ सिंगमी और फर्स्ट फर्टिलाइजेशन. सो दिस इज कॉल्ड अ सिंगमी और फर्स्ट फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट इज सेकेंड मेल गैमेट यूनाइट विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म अ ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस. ओके, तो ये जो है दैट इज कॉल्ड अ ट्रिप्लॉयड. ट्रिप्लॉयड क्यों कहा, बिकॉज पहले ही दो पोलर सेल प्रेजेंट है जिसमें दो न्यूक्लिया प्रेजेंट है और उसमें एक मेल गैमेट और फ्यूज हुआ. सो इट हैज फॉर्म PEN which is called a primary endospermic nucleus which is called a triple fusion. इसे क्या कहते हैं, triple fusion or secondary fertilization. So this is called a triple fusion क्योंकि दो nuclei पहले थे, एक nuclei बाद में आया. So this is called a triple fusion or second fertilization. और इसी अब क्या हो गया, हमने देखा कि एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुआ, सेकंड फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुआ. फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में जायगोट बना,
सेकेंड फर्टिलाइजेशन में प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनेगा। जायगॉट जो है वो डिवाइड एंड रीडिवाइड होगा, एम्ब्रियो बनाएगा, और PEN जो है वो डिवाइड एंड रीडिवाइड होगा एंड एंडोस्पर्म बनाएगा। ओके, सो इन दिस वे जायगॉट विल फॉर्म अ एम्ब्रियो एंड PEN विल फॉर्म अ एंडोस्पर्म। तो यहाँ पे दो मेल गैमेट थे, दो मेल गैमेट फ्यूज हुए, दैट्स व्हाई दिस फ्यूजन इज कॉल्ड अ डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इसे कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। और बीच में यहाँ पे तीन न्यूक्लियर फ्यूज हुए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ ट्रिपल फ्यूजन। नेक्स्ट स्टेप इज द मेल गैमेट आर कैरिड बाय द पोलन ट्यूब, हेंस द फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड अ साइफोनोगैमी। ओके, मेल गैमेट एज दे आर कैरिड बाय द पोलन ट्यूब, दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड अ साइफोनोगैमी। द पोलन ट्यूब एंटर्स द माइक्रोपाइल, हेंस द फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड अ पोरोगैमी। समटाइम्स पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू द इंटीग्यूमेंट विच इज कॉल्ड मेसोगैमी, थ्रू द बेस दैट इज कॉल्ड अ चालाजोगैमी। ठीक है, पोलन ट्यूब इंटीग्यूमेंट से जा रहे हैं इसलिए इसको कहा गया मेसोगैमी। और अगर ये पोलन ट्यूब, अभी यहाँ पे तो हम माइक्रोपाइल एंड में दिख रहे हैं, माइक्रोपाइल एंड से एंटर हो रहा है इसलिए पोरोगैमी का, कभी कभी ये पोलन ट्यूब जो है वो चालजा एंड पे जो सेल्स प्रेजेंट है उनको, उन्हें अगर फर्टिलाइज करता है जो कि रेयर कंडीशन है, तो वहाँ पे हम कहेंगे चालजोगैमी। फर्टिलाइजेशन के बारे में अभी क्या पढ़ा, ठीक है, एक सिग्निफिकेंस लेने के पहले हम उसे रिवाइज करते हैं। सबसे पहली बात, डबल फर्टिलाइज, व्हाई इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहा, बिकॉज आउट ऑफ टू मेल गैमेट्स प्रोड्यूस बाय द मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म, ठीक है, जो एंजियोस्पर्म ने दो मेल गैमेटोफाइट बनाए थे, वन यूनिट विद द फीमेल गैमेटोफाइट एंड अदर वन विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस। दोनों भी मेल गैमेट ने पार्टिसिपेशन किया इन द फर्टिलाइजेशन, देयरफॉर दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड अ डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या हुआ, पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर में एंटर हुआ, रीच हुआ, ठीक है, कौन से एंड से रीच हुआ, तो हमने यहाँ पे जो हमने पढ़ा दैट इज़ फ्रॉम द माइक्रोपाइल एंड। माइक्रोपाइल एंड से जब जाएगा सिनर्जिड सेल से उसे मॉइस्चर मिलेगा, मॉइस्चर मिलने के बाद में वो स्वेल होगा, बस्ट होगा, मेल गैमेट रिलीज करेगा। ठीक है, आफ्टर रिलीज ऑफ दिस मेल गैमेट वन यूनाइट विद द एग सेल, ठीक है, एक यूनाइट करेगा एग सेल से या फीमेल गैमेट से टू फॉर्म अ जायगोट, दूसरा यूनाइट करेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस से टू फॉर्म अ PEN, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। जो ये फ्यूजन हो रहा है जहाँ पे मेल गैमेट फ्यूज हो रहा है सेकेंडरी न्यूक्लियस से, एट दैट टाइम थ्री न्यूक्लियर फ्यूज, टू ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड वन ऑफ मेल गैमेट, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड अ ट्रिपल फ्यूजन। इसे क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। ओके, और जहाँ पे मेल गैमेट इज फ्यूजिंग विद द एग सेल तो उसे हम कहेंगे सिंगमी, उसे क्या कहेंगे, सिंगमी, विच इज गोइंग टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जायगोट। द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ द हैप्लॉयड न्यूक्लियस ऑफ मेल गैमेट विद द हैप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, जहाँ पे ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना है दैट इज कॉल्ड अ ट्रिपल फ्यूजन। ओके, अब क्या हो गया कि नॉन मोटाइल मेल न्यूक्लियर आर कैरिड टू द एग सेल थ्रू द पोलन ट्यूब, इसीलिए हमने देखा उसको क्या कहा गया था, सिम्फोगैमी। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में अब क्या होगा, ये जो ओव्यूल है उसका कन्वर्शन हो जाएगा सेड में, जो जायगॉट बना है उसका कन्वर्शन हो जाएगा एम्ब्रियो में, और जो PEN बना है उसका कन्वर्शन हो जाएगा एंडोस्पर्म। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, या यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं व्हाई एंजियोस्पर्मिक प्लांट चूजेस द डबल फर्टिलाइजेशन। सो व्हाट इज हैपनिंग,
after fertilization, the zygote is converted into the embryo. ठीक है, जो embryo आगे चल के radical pumil develop करेंगे और नए plant में develop होगा. Okay? तो zygote जो बना है that is converted into embryo. और zygote जो बना है, जैसे आप देखिए यहाँ पे male gamete आया वो N है, फीमेल गैमेट जो था वो एन है, जायगॉट बनने के बाद में 2N हो गया. मीन्स इट हैज़ रिस्टोर्ड द डिप्लॉयड कंडीशन. ठीक है, डिप्लॉयड कंडीशन बना है ताकि अब जब प्लांट डेवलप होगा तो उसमें कैसा रहेगा, 2N रहेगा. ओके, सो दिस 2N कंडीशन इज मेंटेन, दिस डिप्लॉयड कंडीशन इज मेंटेन ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉयड मेल गैमेट एंड हैप्लॉयड फीमेल गैमेट थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ जायगॉट. ओके, और ये zygote अब फ्रूट्स और सीड बनाएगा आगे चल के. अब इम्पॉर्टेंट रोल PEN का क्या है, दैट इज़ प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस. प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जो 3N है, ये क्या रहेगा, 3N. क्यों 3N रहेगा, 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस और एक मेल गैमेट, तो क्या हो गया 3N. तो ये जो अब 3N है, ओके, सो दिस 3N कंडीशन, ये पेन कहा जाता है, ये डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म अ न्यूट्रिटिव टिश्यू विच इज कॉल्ड अ एंडोस्पर्म. अब एंडोस्पर्म का काम क्या है, एंडोस्पर्म विल गिव द नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो. आप सोचो कि हमने सीड लिया, उसे सॉइल में डाल दिया, पानी डाला, लेकिन वो सीड जो डेवलप होगा वो विद इन अ फ्यू सेकेंड तो नहीं हो जाएगा, इट विल टेक अ टाइम, सम टाइम इट टेक 1 डे, 2 डे, 4 डेज. तो ये 4 दिन तक क्या वो सीड को जब सेल डेवलप हो रहे तो इट विल नॉट रिक्वायर ए न्यूट्रिशन. डेफिनेटली न्यूट्रिशन लगेगा, लेकिन अभी तो फोटोसिंथेसिस एब्सेंट है क्योंकि वहाँ पे लीव्स का डेवलपमेंट नहीं है. तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, तो जब तक के लीव्स का डेवलपमेंट नहीं होता, जब तक के वो प्लांट कैपेबल नहीं हो जाता फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तब तक उसे न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, इस एंडोस्पर्म से मिलेगा. दैट्स व्हाई दिस एंडोस्पर्म इज हाईली नरिशिंग, that's why it requires a triple fusion. Okay, so this endosperm will give better nourishment to the developing embryo in angiosperm. Gymnosperm mein kya hota hai, gymnosperm mein ye haploid hota hai, theek hai, to isiliye gymnosperm ke seed ki viability zyada nahi hai, angiosperm ke seed ki viability zyada hai, isiliye earth pe hum dekhenge to maximum proportion hame angiospermic plant ka milega और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट का प्रोपोर्शन हमें कम मिलेगा. दैट्स वाई दिस इज़ अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट इन विच 2 male gamete टेक्स पार्ट इन फर्टिलाइजेशन अनलाइक द टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म. और फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है जिसमें मेल गैमेट अलग प्लांट से आए, फीमेल गैमेट अलग प्लांट से आए, सो दिस विल brings about recombination in the character and this may leads to the variation. Okay, so student, I hope you have understand regarding the significance of the fertilization, double fertilization. तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने देखा ओव्यूल स्ट्रक्चर, फिर हमने देखा what is double fertilization, double fertilization किसे कहते हैं, कैसे double fertilization होता है, ठीक है, कैसे जायगॉट बनता है और कैसे PEN यानी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनता है. ठीक है, दैट वी हैव सीन, एंड वी हैव सीन द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन. होप स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टैंड दिस. सो टिल देन बी रिमेन सेफ एट द होम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कंटिन्यू लर्निंग.